है चाहते में अब बहुत जल्द रुद्राक्ष राजीव की डायरी को पढ़ने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो डायरी जिसमें राजीव ने अपने दिल के एहसास लिखे हुए हैं, वो डायरी जिसमें राजीव ने अपने पहले प्यार और अपने बेटे सारांश के बारे में जिक्र किया हुआ है, वो डायरी अब रुद्राक्ष पढ़ने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको कहानी में बहुत सारा ड्रामा देखने के लिए मिलेगा, तो सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं शो में आने वाले उस तूफान से जो प्रेशा और रुद्राक्ष को एक दूसरे से दूर ले जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अहाना के पापा को ये बात पता चल चुकी है कि सारांश प्रेशा का बेटा नहीं है, और इसी वजह से अब जेल के अंदर रहते हुए भी अहाना के पापा इस बात का खुलासा करेंगे पूरे परिवार के सामने। रुद्राक्ष को जब ये बात पता लगेगी तो रुद्राक्ष प्रेशा से बहुत नाराज हो जाएगा। प्रेशा पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, और क्योंकि प्रेशा फिलहाल सारांश की खातिर कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए वो अपने डिफेंस में कुछ नहीं बोलेगी, और रुद्राक्ष के दिल में अब प्रेशा को लेकर होने वाली हैं बहुत सारी गलतफहमियां, जिसके चलते ही रुद्राक्ष प्रेशा को अपनी ज़िंदगी से दूर करने वाला है। वेल, इस तरह अब आपको सीरियल ये है चाहते की कहानी में देखने के लिए मिलेगा खूब सारा ड्रामा। फिलहाल जिस प्यार की एक्सपेक्टेशंस हम और आप कर रहे हैं रुद्र और प्रेशा के बीच, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब राजीव की डायरी यहाँ पर रुद्राक्ष पड़ेगा तो वो उस बच्चे की खोज में लग जाएगा जो राजीव का है। जी हाँ, अब उस बच्चे को ढूंढने वाला है रुद्राक्ष, जो उसके भाई की आखिरी निशानी है। और अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि रुद्राक्ष की खोज किस पर आकर रुकेगी। वेल, वन एंड ओनली सारांश पर। और इसी के बाद प्रेशा और रुद्राक्ष के बीच की सारी गलतफहमियां होंगी दूर। तो इंतजार रहेगा शो में आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का। For all the latest serial updates, celebrity news and views, please subscribe Serial Khabri and hit the bell icon.